लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ प्रिया शर्मा। मंगलवार देर रात की राजनीतिक उथल पुथल के बाद मंत्री विधायकों की बयानबाजी का दौर मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने सरकार गिराने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। गुरुवार को लाखन सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सोच रहती है कि कांग्रेस सरकार को गिराए। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से भाजपा वालों ने मध्य प्रदेश की जनता को लूटा है और खजाने को लूटने का काम किया और उनके लूटने की आदत पड़ गई है, उससे भी बाज नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1.25 साल से सत्ता पाने के लिए भाजपा छटपटा रहे हैं, इसलिए इस तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं। उसी षड्यंत्र का यह एपिसोड चल रहा था और यह उनका चौथा प्रयास था। मंत्री यादव ने कहा कि भाजपा जीवन में कभी ऐसे काम में सफल नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार लगातार 5 साल चलेगी और आने वाले 5 साल भी यही सरकार चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। भारतीय जनता पार्टी की सोच रहती है कि इनकी सरकार को हम गिरा। पिछले 15 साल से उन्होंने मध्य प्रदेश के खजाने को लूटा, मध्य प्रदेश की आम आवाम को लूटने का काम किया। अभी उनकी जो लूट खरोश की जो आदत पड़ गई थी पिछले 15 साल में, वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। अभी 1.25 साल में वो इतने छटपटा रहे हैं बगैर सत्ता के कि कहीं ना कहीं इस तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं वो, और उन्हीं षड्यंत्र का ये कल से जो एक एपिसोड चल रहा है, ये उनका चौथा प्रयास था। और मुझे लगता है जीवन में वो कभी इसमें सफल नहीं होंगे। आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार लगातार 5 साल ये चलेगी और आने वाले 5 साल भी फिर कमलनाथ जी की सरकार। नरोत्तम जी कह रहे हैं कि 10 से 15 विधायक उनके संपर्क में हैं और काफ़ी सारे लोग भी उनके संपर्क में हैं। ये सब उनके शब्द में पिछले 1.25 साल से सुनता आ रहा हूँ। 3 बार उन्होंने ट्राई किया, फ्लो टेस्ट भी करा लिए, सब कुछ करा लिए। यदि उनके पास हमारे विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक यदि उनके पक्ष में, तो फ्लो टेस्ट करा लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किसके साथ में। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके खुद के विधायक हमारे पार्टी के हमारे सीनियर नेताओं के संपर्क में हैं और उनको कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक बार फ्लो टेस्ट हुआ था, उसमें भी देखने को मिला था। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।